थोड़े दिन पहले एक महात्मा जी गंगा किनारे जब ध्यान करके उठे तो ध्यान में उन्होंने देखा कि कोई स्त्री काले रंग के कपड़े पहनकर शहर की ओर जा रही है। तो महात्मा जी ने उससे पूछा कि तुम कौन हो और तुम कहाँ जाती हो? उसने कहा कि मैं महामारी हूँ और मैं इस गांव में, इस शहर में 500 लोगों की जान लेने जा रही हूँ। तो महात्मा जी ने फरमाया कि ठीक है, वापस लौटते समय तुम हमसे मिलकर जाना, हम तुम्हें यहीं मिलेंगे। जब तक महामारी वापस आई, तब तक खबर फैल चुकी थी कि 1500 लोगों की मृत्यु हो गई है। तो महात्मा जी ने उससे कहा कि तू तो बड़ी झूठी निकली, तूने कहा था कि तू 500 लोगों की जान लेने गई है, यहाँ तो मृत्यु 1500 की हुई। तो उसने कहा कि महात्मा जी, मैं झूठी नहीं हूँ, मैं 500 लोगों की जान ही लेकर आ रही हूँ, बाकी तो उनको देख देख कर डर से, भय से, फियर से ही मर गए हैं। तो वो कहते हैं ना कि जो डर गया सो मर गया। कोई भी बीमारी इतनी बड़ी नहीं होती जो हमको मार सके। कई बार बीमारी का भय बीमारी से ज्यादा बड़ा होता है। आज वो समय है हमें अपने आप को पॉजिटिविटी से, पावर से जोड़ने का। अगर हम अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी से जोड़ के रखेंगे तो कोई भी बीमारी, कोई भी भय हमको मार नहीं सकता। देर आर टू टाइप ऑफ एनर्जीज वर्किंग इन द वर्ल्ड, पॉजिटिव एनर्जी एंड नेगेटिव एनर्जी। द नेगेटिव एनर्जी इज कॉल्ड काल, माया, डार्क एनर्जी, एंड द पॉजिटिव एनर्जी इज कॉल्ड दयाल जी। सो इट्स द टाइम टू गेट कनेक्टेड टू लवली श्री परमहंस दयाल जी। अगर हम 24 घंटे में अपने आप को 1 घंटा सुबह शाम लॉकडाउन करें सुंदर सुंदर श्री परमहंस दयाल जी के साथ, तो कोई भी नेगेटिविटी, काल, माया हमको अफेक्ट नहीं कर सकती। कोई भी बीमारी इतनी बड़ी नहीं है, कोई भी बीमारी दयाल जी के प्रेम, उनकी कृपा, उनके आशीर्वाद और उनकी शक्ति से बड़ी नहीं है। एक छोटा बच्चा सुरक्षित रहता है जब तक वो अपनी माँ की गोद में है। इसी तरह अगर हम श्री परमहंस दयाल जी की गोद में रहेंगे 24 आवर्स एवरी मोमेंट, तो कोई भी काल कितना ही विराट और विकराल क्यों ना हो हमको अफेक्ट नहीं कर सकता। थोड़े दिन पहले क्या हुआ कि किसी भक्तानी ने शरीर छोड़ा, शी वॉज इन्फेक्टेड विद कोविड। तो एक छोटी बच्ची ने विनती की ध्यान में श्री परमहंस दयाल जी को कि स्वामी जी इसकी संभाल करें। शी वॉज नॉट अ मेडिटेटर, उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में कभी ध्यान नहीं किया था, कभी कोई भक्ति की, ज्ञान की बात नहीं की थी, वो गुरमुख नहीं थी। फिर भी श्री परमहंस दयाल जी ने फरमाया कि हम उसको ले आए हैं, उसको ऊपर सचखंड में श्री परमहंस दयाल जी उसको लेने गए, उसके गले में हार पहनाया और उसको ऊपर जगह दी, उससे नाम जपवाया। तो इतने दयाल हैं हमारे महाराजाधिराज योगीराज श्री परमहंस दयाल जी। आप कैसे भी हो, अच्छे बुरे, गुरमुख मनमुख, ही इज एक्सेप्टिंग एवरीवन, क्योंकि वो जगतारण है। ही इज द यूनिवर्स। नो मैटर इफ यू आर रिच और पुअर, नो मैटर इफ यू आर वाइट और ब्लैक, वेदर यू लिव इन इंडिया और इन अमेरिका, इट डजेंट मैटर, यू बिलोंग टू श्री परमहंस दयाल जी एंड श्री परमहंस दयाल जी बिलोंग्स टू यू, बिकॉज ही इज द स्काई, इन्फिनाइट इन्फिनाइट लाइक दिस ब्लू स्काई। सो इट्स द टाइम टू बी सेफ इन हिज लैप। इवन द कॉस्मिक एनर्जी एक्सपर्ट्स आर टेलिंग दैट हु विल बी द ब्लेस्ड पीपल, दोज हु विल नॉट बी अफेक्टेड बाई दिस नेगेटिव
virus or infection. The people who are vibrating at higher frequencies, they will never be affected. And you know which is the highest frequency? Love is the highest frequency. So if you are in love with Dayalji, if you are in love with your higher self, no negativity, no Kal or Maya can ever attack you. So it's the time to raise our vibration. It's the time to clean our aura. And Shri Paramhans Dayalji, the beautiful yogi ever, is here to make us our aura shine like stars. So it's the time to be safe, to be in his lap. Love, love, and blessings to all from the higher.